हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में, आप जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, वीवो, ओप्पो या टेक्नो फ़ोन में रीसेट सेटिंग कैसे करेंगे। क्योंकि ये सेटिंग की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हमने बहुत सारी सेटिंग की होती है, जैसे कि वाईफाई रिगार्डिंग, मोबाइल डेटा के रिगार्डिंग, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। बहुत सारी एप्लीकेशन हमने उसमें कुछ परमिशन वगैरह दी होगी और वो सारी सेटिंग को हम रीसेट करना चाहते हैं, तो वो एक ही बारी में रीसेट कर सकते हैं। और अमेजिंग बात ये है कि रीसेट करने के साथ आपका कोई भी डेटा लीक या कोई भी डेटा ट्रैश नहीं होने वाला, मीन्स कोई भी डेटा आपका लॉस भी नहीं होने वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सेटिंग हम कैसे करेंगे, रीसेट सेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो सिंपल से क्या करना है हमें, तो यहाँ पर सिंपल से हम सेटिंग में यहाँ पर सर्च कर लेते हैं सेटिंग। और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, मेरे पास है टेक्नो का फ़ोन, तो फैन अपने फ़ोन में भी आप रीसेट सेटिंग को सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सिस्टम वाले ऑप्शन में चलते हैं और नीचे की तरफ रीसेट ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमें फॉर जो रीसेट ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले है रीसेट वाईफाई मोबाइल ब्लूटूथ। इस वाले ऑप्शन को हम रीसेट सेटिंग करेंगे तो हमारे जो भी वाईफाई मोबाइल डेटा और ब्लूटूथ के रिगार्डिंग जितनी भी सेटिंग हमने करके रखी है वो सारी रीसेट हो जाएगी। और रीसेट हो जाने के बाद आप उसको दोबारा एक नई सेटिंग कर सकते हैं। बैक आ जाता हूँ। बैक आ जाने के बाद सेकंड वन ऑप्शन है रीसेट ऐप प्रेफरेंस। तो इस वाले सेटिंग से हमें क्या होगा, हमारे जो भी एप्लीकेशन वगैरह है, नोटिफिकेशन की हमने जो भी, या बैकग्राउंड डेटा रेस्टिकेशन की जितनी भी एप्लीकेशन है, जितनी भी परमिशन वगैरह हमने दी है, वो सारी रीसेट हो जाएगी। जिससे क्या हो कि हमारा, हमें ऐसा लग रहा है कि कोई एप्लीकेशन हमारा डेटा लीक कर रहा है वगैरह वगैरह, तो वो सब अगर रीसेट ऐप करेंगे तो वो सारा रुक जाएगा और आप अपने फ़ोन को सिक्योर कर पाएंगे। थर्ड नंबर का ऑप्शन है रीसेट कैलिब्रेशन एंड पैरामीटर्स। तो इस वाले ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने फ़ोन को रीसेट पूरा कर सकते हो, उसका कोई भी इफेक्ट अपने फ़ोन में नहीं होगा। ये फ़ोन रीसेट होने के साथ रिस्टार्ट भी हो जाएगा और आपका फ़ोन पूरा ठीक ही रहेगा, आपका कुछ भी डेटा लीक नहीं होने वाला, उस डिलीट भी नहीं होने वाला। तो डोंट वरी, आपके फोटो वीडियो कुछ भी डिलीट नहीं होने वाला, सिर्फ आपका सेटिंग है वही रीसेट होने वाला है। तो डोंट वरी, आप ये इसे कर सकते हो। रीसेट पैरामीटर्स पे हमें टैप करना है तो आपका ये सेटिंग हो जाएगा। मेन बात यह है कि हमें ये वाले ऑप्शन को ज़रा ध्यान से देखना है, इरेजर ऑल डेटा। इस वाले ऑप्शन को हम करेंगे तो हमारे फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन वगैरह जो भी है वो सारे फोटोज वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखिए इरेज हो जाएगा। दिस विल बी इरेज ऑल द डेटा फ्रॉम द फोन इंटरनल स्टोरेज इंक्लूडेड। और यहाँ पे देखिए सारा हमें दिख रहा है कि योर गूगल अकाउंट, सिस्टम ऐप एंड सेटिंग, डाउनलोड एप्स, म्यूजिक, फोटोज एंड अदर, सारे डेटा इरेज हो जाएंगे। अगर प्रॉपर पूरा का पूरा 100% आपको फ़ोन को रीसेट करना है तो इस वाले ऑप्शन का यूज़ कीजिए। बट मैं आपको ये वाला ऑप्शन रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप ये ऊपर के तीन ही ऑप्शन यूज़ कीजिए, आपका फ़ोन रॉकेट की तरह चलेगा और आपका फ़ोन सिक्योर भी रहेगा। फ्रेंड्स, वीडियो देख के चले जाते हो फ्रेंड्स, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।